Redmi Note 7 Pro हो या फिर Redmi K20 सीरीज, सभी फोन कॉम्पिटेटिव प्राइस पर फैन को पसंद आते हैं। और पर्सनली मुझे भी ये Redmi के फोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन कम प्राइस पर देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे में Xiaomi का अपकमिंग यानी Redmi का कहना चाहिए मुझे, Redmi का अपकमिंग फोन Redmi Note 8 Pro से लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो चुकी है। ये रेट चाइना में हमें इसी वीक अनाउंस होता हुआ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, वहाँ पर ये स्मार्टफोन इसी हफ्ते लॉन्च होने वाला है। हाँ, तो आइए आपको बताते हैं इस हैंडसेट में, इस हैंडसेट से जुड़ी सभी इंटरेस्टिंग बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस स्मार्टफोन आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है और इंडिया में क्या अच्छा बिकेगा, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आखिर इंडिया में कब तक आने वाला है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से देख लाकर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी स्पेसिफिकेशन तो बताऊंगा ही, साथ ही में इंडिया में कब लॉन्च होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, रेडमी का जो रेडमी नोट 8 प्रो होने वाला है वो मीडियाटेक के हाल ही में लॉन्च हुए फुल गेमिंग चिपसेट के साथ आने वाला है, जो कि होने वाला है मीडियाटेक का हेलिको G90। इस चिपसेट के साथ आपको ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, साथ ही में 64 मेगापिक्सल के साथ आने वाला फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है कंपनी की तरफ से। इस हैंडसेट में हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि कंपनी पहली बार यूज़ करने वाली है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि यहाँ पर हमें 25x जूम कैपेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आप 25x तक यहाँ पर जूम कर सकते हैं। साथ ही में रेडमी का जो नोट 8 प्रो होने वाला है उसमें आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और एक और बात बताओ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि अफोर्डेबल फोन में बहुत कम देखने को मिलती है और रेडमी से लेकर आने वाला है। हाँ दोस्तों, इसके ये तो इसके खास स्पेसिफिकेशन की बात। अब दोस्तों इसके इंडिया लॉन्च की बात करें तो इस हैंडसेट को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन तो सामने नहीं आई है, लेकिन Xiaomi इंडिया के हेड ने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया में बहुत ही जल्द 64 मेगापिक्सल का कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Redmi का Note 8 Pro हो सकता है। अब ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा तो मेरे ख्याल से जो Realme का XT लॉन्च होने वाला है सितंबर के एंड तक, उसी के आसपास ही लॉन्च होगा, क्योंकि उसको ही कॉम्पिटिशन नहीं देने वाला है। तो सितंबर के एंड तक आपको ये इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या आप इस Redmi के Note 8 Pro का इंतजार कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो सार्वजनिक टेक्निकल, मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ।